अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, यूरोपियन हिस्ट्री की आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू में डिक्टेटरशिप इन यूरोप। सो इसमें पॉइंट और देखेंगे फासिज्म इन इटली अंडर मुसोलिनी, हिटलर, नाजिज्म इन जर्मनी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रशिया, मार्क्सिज्म रेवोल्यूशन एंड इट्स वर्किंग अंडर स्टालिन, ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूरोप, अपीजमेंट, देन आर्म रेस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोडोतियन लैंड क्राइसिस 1938 एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूगोस्लाविया 1939। सो यूरोप में जो डिक्टेटरशिप थी इसमें बैन अक्वामी जंग के दौरान डिक्टेटरशिप के अरूज की अहम वजूहत क्या थी, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि इक्तसादी अदम इस्तेहकाम किस तरह से फासिज्म और मुतलिक अनान हुकूमतों के अरूज में मददगार साबित हुआ, इटली में मुसोलिनी के तहत फासिज्म क्या था और इसमें किस तरह से इटली में कौन यानी कि कौन से समाजी सियासी हालात थे जिन्होंने मुसोलिनी की ताकत में आने में मदद फराहम की। इसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मुसोलिनी की पॉलिसियों ने फासिज्म के असूलों की अकासी कैसे की, और दूसरा हमारा पॉइंट है हिटलर, नाजिज्म और जर्मनी का। तो इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि वर्सेल्स के मुआहदे ने अडोल्फ हिटलर के अरूज में क्या किरदार अदा किया था। देन देखेंगे कि हिटलर के दौर में नाजिज्म के अहम नजरियात के अनासर क्या थे, और थर्ड हमारा पॉइंट है रूस, मार्क्सिस्ट इनकलाब और स्टालिन का दौर। तो इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 1917 के होलशेविक इनकलाब के अहम नतायज क्या थे और लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपने किरदार को कैसे स्टेबल किया था। देन पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है द ग्रेट डिप्रेशन एंड इफेक्ट्स ऑन यूरोप। सो इसमें ग्रेट डिप्रेशन और यूरोप पर इसके असरात क्या थे, ग्रेट डिप्रेशन के यूरोपी मईशतों के ऊपर खासतौर पर यानी कि किस तरह से आलमी असरात थे और आलमी असरात क्या थे इसको डिस्कस करेंगे। इक्तसादी मुश्किलात ने 1930 की दहाई में यूरोप के सियासी मंजरनामे को किस तरह से मुतासर किया। फिर हमदर्दी की पॉलिसी है, नरम रवैया है, यानी नरम रवैये की पॉलिसी क्या थी और ये किन ममालिक ने अपनाई थी। उसके बाद हम कुछ अमन माहदों को भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह से म्यूनिख माहदा है उसने नरम रवैये की नाकामी को किस तरह से उजागर किया था। उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारा है यानी हथियारों की दौड़, द आर्म रेस, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1930 की दहाई में यूरोपीय ताकतों के दरमियान हथियारों के दौड़ में कौन से अवामिल ने किरदार अदा किया था। जर्मनी की फौजी तामीर नौ ने मौजूदा माहदों को किस तरह से चैलेंज किया। उसके बाद सोडोतियन लैंड बहरान है 1938 का, और इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सोडोतियन लैंड के बहरान के वकूफ पजीर होने वाले अहम वाकयात क्या थे और म्यूनिख कॉन्फ्रेंस ने यूगोस्लाविया की किस्मत के ऊपर क्या असर डाला था, यूगोस्लाविया की तबाही 1939 में कैसे हुई थी और यूगोस्लाविया की यानी कि जो तबाही थी उसने नरम पॉलिसी की नाकामी को किस तरह से जाहिर किया था। और लास्ट में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बैन अक्वामी जंग के दौरान डिक्टेटरशिप ने दूसरी आलमी जंग के लिए किस तरह से राह हमार की और इस दौर में यूरोप के सियासी हालात से क्या सबक हासिल किया जा सकता है। सो फासिज्म इन इटली अंडर मुसोलिनी, इसका हम फासिज्म का बैकग्राउंड डिस्कस करें इटली के अंदर। तो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट इटली फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वाइड स्प्रेड डिस्टिफिकेशन। सो एम्ड दीज कंडीशन बेनिटो मुसोलिनी रोज टू पावर प्रोमोटिंग अ फासिस्ट आइडियोलॉजी दैट प्रोमिस्ड नेशनल स्ट्रेंथ एंड रिवाइवल। फासिज्म का जो पस मंजर है पहली जंग अजीम के बाद, तो इटली इक्तसादी मुश्किलात का शिकार रहा, इसमें सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम था, बड़ी सतह के ऊपर यानी कि नाराजियत मौजूद थी। इन हालात में बेनिटो मुसोलिनी ने फासिज्म के नजरिए को फरोग दिया था और जिसने कौमी ताकत को रिवाइवल का वादा किया था। और मुसोलिनी राइज टू पावर, मुसोलिनी का इक्तदार में आना, फॉर्मेशन ऑफ द फासिस्ट पार्टी 1999। तो फासिस्ट पार्टी का क्या अमल में आया था, मुसोलिनी ने जो नेशनल फासिस्ट पार्टी है उसकी बुनियाद रखी, जिसने मजबूत क्यादत और कौम परस्ती को फरोग दिया। उसके बाद रोम की तरफ मार्च किया गया 1922 में, तो मुसोलिनी ने रोम की तरफ एक मुजाहरा किया था जिसने इटली के बादशाह पर दबाव डाला कि उसे वजीर आजम मुकर्रर करे। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप, फिर अमरियत का क्या अमल में है, यानी एक बार इक्तदार में आने के बाद मुसोलिनी ने अपोजिशन को खत्म कर दिया, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी और एक शख्सियत परस्त कल्चर को कायम किया जिसने खुद को न्यूज टू यानी लीडर के तौर पर पेश किया। अब हम इटली के अंदर जो फासिज्म थे उसके फीचर्स को, अहम खसूसियात को हम डिस्कस करते हैं कि उसकी इसके अहम खसूसियात क्या थी। इसमें आमराना निज़ाम था, यानी एक मजबूत मरकजी हुकूमत जो अपोजिशन के लिए कोई बर्दाश्त नहीं रखती थी। उसके बाद है अस्क्रियत पसंदी,
फौजी ताकत, यानी इटली की फौज को मजबूत करने पर जोर देना ताकि रोमी सल्तनत की शान को बहाल किया जा सके। नेशनलिज्म, एक्सट्रीम प्राइड इन इटालियन आइडेंटिटी एंड कल्चर विद एम्स टू एक्सपेंड इन इटालियन इन्फ्लुएंस। तो इटली की शनाख्त और सकाफत में इंतहा पसंद फखर, जिसका मकसद क्या था कि इटली के असर रसों को बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट है हिटलर, नाजीज्म और जर्मनी। तो एडोल्फ हिटलर का अरूज कब हुआ और इसका अगर बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, तो जर्मनी जो था वो पहली जंग अजीम के बाद शदीद इक्तसादी और सियासी मसाइल का सामना कर रहा था, ठीक है, जो वर्सल्स मादे और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से मजीद खराब हो गया। अब हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और जर्मन बालादस्ती और यहूद दुश्मनी के नजरियात को उन्होंने फरोग दिया, ठीक है। और उसके बाद वो 1933 में चांसलर बन गए थे, यानी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और जल्द ही उसने राइस्टाग की आग को एक यानी बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अमरियत कायम कर ली। अब नाजीज्म के हम की एलिमेंट्स देखते हैं कि कौन से इसके अंदर अहम अनासर शामिल थे। तो इसके अंदर नस्ली पकीज़गी शामिल थी, यानी आर्याई नस्ल की जो बालादस्ती थी, सुपेरियरिटी थी, उसका अकीदा था, जिसकी वजह से यहूदी और बाकी जो अकलियतें थी उनको शदीद उनकी नस्ल कशी हुई थी। देन उसके बाद एक्सपेंशनिज्म का तौसीयत पसंद का निज़ाम था, जर्मन सरजमीन को बढ़ाने के मनसूबे ताकि जर्मन लोगों के लिए ज़िंदगी की जगह फराहम की जा सके, लिविंग स्पेस क्रिएट किए जा सके। और उसके बाद कुल वक्ती कंट्रोल था, यानी मुआशरे के तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल, जिसमें तालीम, मीडिया और इंडस्ट्री भी शामिल थी। नाजी हुक्मरानी का असर असर क्या था कि जो हिटलर की हुक्मरानी थी उसने फौजी ताकत को, यहूदियों को और बाकी अकलियतों की नस्ल कशी में और जंग की तैयारियों को जन्म दिया। तो नाजी आइडियोलॉजी लीड टू वर्ल्ड वार टू एंड होलोकॉस्ट वेयर मिलियंस वर किल्ड। तो इस तरह से हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो इस नज़रियात ने दूसरी जंग अजीम को की वजह बनी और उसके बाद होलोकॉस्ट की भी बाइस बना, जिसमें लाखों अफराद को कत्ल किया गया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि रूस मार्क्सिस्ट इनकलाब और स्टालिन की हुक्मरानी के बारे में है। सो बोल्शेविक इनकलाब 1917 का रूसी इनकलाब जो बोल्शेविक पार्टी की क्यादत में हुआ था, जिसने यानी तजारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और एक मार्क्स रियासत कायम की। और ये जो रेवोल्यूशन थे इस मार्क्सी असूलों के ऊपर ये मबनी था, जो बराबरी और निजी मालकियत के खात्मे को फ़रोग देता था। उसके बाद स्टालिन राइज और डिक्टेटरशिप, यानी स्टालिन का रूज और अमरियत, राइज टू पावर। लेनिन के मौत के बाद जोसेफ स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपने हरीफों को ख़त्म करके कंट्रोल हासिल कर लिया। उसके बाद स्टालिन की पॉलिसियाँ डिस्कस करते हैं कि स्टालिन ने रूस को एक कुल वक्ती रियासत में तब्दील किया और सख्त कंट्रोल और तेज सनअती तरक्की को भी उसने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कलेक्टिवाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो इसमें जो ज़रात की इज्तमाही मलकियत थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से बड़ी सतह के ऊपर कहत आया और सनअती पैदावार में भी इजाफा हुआ। और उसके बाद इसमें अजीम सफाई था, यानी कि स्टालिन का जो दौर था वो अजीम सफाई के नाम से जाना जाता है, तो जिसमें इसके इसने किसी भी मुमकिन ख़तरे को कैद, तशद्दुद और फांसी के जरिए ख़त्म किया था। सो दिस क्रिएटेड अ क्लाइमेट ऑफ द फेयर बट कंसोलिडेटिंग स्टालिन पावर। इसने खौफ का माहौल पैदा किया लेकिन स्टालिन की ताकत को मुस्तहकम किया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन यूरोप। सो ग्रेट डिप्रेशन का जो यानी कि एक खाका है जो 1929 में ये शुरू हुआ था, तो एक आलमी इक्तसादी ये बहरान था, जिसकी वजह से अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करने की वजह से ये हुआ था। सो इसने यूरोप और पूरी दुनिया में बड़ी सतह के ऊपर बेरोजगारी को, गुर्बत को और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया। देन इम्पेक्ट ऑन यूरोपियन कंट्रीज, फिर इसका यूरोपीय ममालिक के ऊपर क्या असर था, तो पहली जंग अजीम थी उसके हार जाने से ये कमज़ोर हो रहा था जर्मनी, तो जर्मनी ने शदीद नुकसान उठाया जिसने हिटलर के इख्तियार में आने की राह भी हमवार की। उसके बाद ब्रिटानिया और फ्रांस है यानी ये ममालिक भी इक्तसादी जवाल का सामना कर रहे थे, ये जर्मनी की सूरत हाल से कम शदीद था, जिसके नतीजे में जो है वो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। देन इंक्रीज सपोर्ट फॉर एक्सट्रीमिज्म, फिर इक्तसादी मुश्किल ने लोगों को फासिज्म, कम्युनिज्म जैसे जो सख्त नज़रियात थे उनकी हमायत करने के ऊपर मजबूर कर दिया, जो उनके मसाइल के हल की तलाश में थे। उसके बाद है नरम रवैया। नरम रवैये की पॉलिसी क्या थी, तो नरम रवैये की पॉलिसी जो थी
उसमें बरतानिया और फ्रांस ने इस पॉलिसी को अपनाया था जहां उन्होंने हिटलर के ख्वाहिशात को कबूल किया ताकि जंग से बचा जा सके। द बिलीव दैट स्पेसिफाइंग सम ऑफ हिज टेरिटोरियल एंबिशंस वुड मेंटेन पीस, उन्होंने ये यकीन किया कि कुछ इलाकाई ख्वाहिशात को पूरा करने से अमन बरकरार रहेगा। उसके बाद नरम रवैये की अहम मिसालें हम देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने यानी कि इसमें इस पॉलिसी को अपनाया, उसके ऊपर काम किया। तो राइनलैंड 1936 में हिटलर ने राइनलैंड की फौजी मौजूदगी की तजदीद की, जिससे वर्सा माहदे की खिलाफ वर्जी हुई और बरतानिया और फ्रांस ने मदाखलत नहीं की। उसके बाद ऑस्ट्रिया यानी कि आंस्टुलो 1938, जर्मनी ने 1938 में ऑस्ट्रिया को बगैर किसी मुखालफत के अजिम किया और म्यूनिख यानी कि माहदा हुआ 1938 के अंदर। तो बरतानिया और फ्रांस ने हिटलर को सुडेटनलैंड पर कंट्रोल करने की इजाज़त दी, ठीक है, उम्मीद करते हुए कि ये उसकी इलाकाई ख्वाहिशात को पूरा करेगा। अब हम इस नरम रवैये के नतज क्या निकले कि इसकी इस पॉलिसी ने हिटलर को मजीद हौसला दिया, जिसने उसे यकीन दिलाया कि वो बगैर किसी संगीन नतज के अपनी दूसरी पसंदाना पॉलिसी को जारी रख सकता है। सो ये फिर दूसरी जंग अजीम को रोकने में भी नाकाम रही थी। छठा पॉइंट हमारे पास है हथियारों की दौड़ यानी आर्म रेस। 1930 यूरोपियन पावर्स लाइक जर्मनी, इटली एंड सोवियत यूनियन बिगन रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग देयर मिलिट्रीज। देयर दिस बिल्ड अप इंक्रीज्ड टेंशंस एंड क्रिएटेड एन आर्म रेस अमंग यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। हिटलर की फौजी तजदीद जो थी, हिटलर के दौर में जर्मनी ने खुलकर वर्सा माहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी की, और इसमें यूरोप में जो फौजी ताकत थी वो 1930 की दहाई में यानी यूरोपीय ताकतें जैसे जर्मनी है, इटली है और सोवियत यूनियन है, तो उन्होंने अपनी फौजी जो ताकत थी उसको तेजी से बढ़ाना शुरू किया और यसने की दौड़ को बढ़ावा दिया और यूरोप में तनाव पैदा किया। तो हिटलर के जो की यानी कि फौजी तजदीद के दौर में जो हिटलर ने जर्मनी ने यानी कि खुलकर वर्सा माहदे की खिलाफवर्जी की और अपनी फौजी ताकत को भी बढ़ाया। तो द इंक्रीज इन जर्मनी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्रिएटेड फियर अमंग नेबरिंग कंट्रीज, यानी जर्मनी की फौजी ताकत में इजाफे ने पड़ोसी ममालिक में खौफ पैदा कर दिया। अब इस हथियारों की दौड़ का क्या इम्पेक्ट था, तो इसने यूरोप में तनाव और अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया और कौमें जो थीं वो मुमकिन तनाजात के लिए तैयारी कर रही थी, जिससे जंग के यानी के यानी बढ़ने का या आउटब्रेक का इम्कान बढ़ गया, क्योंकि हिटलर की ख्वाहिशात जो थीं वो बढ़ रही थीं। उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करते हैं सुडेटनलैंड का बहरान जो कि 1938 में आया। इसका बैकग्राउंड क्या है कि सुडेटनलैंड के बहरान का जो पस मंज़र है, इसमें सुडेटनलैंड यूगोस्लाविया का एक इलाका था जहाँ बड़ी तादाद में जर्मन आबादी जो थी वो मौजूद थी। सो हिटलर डिमांडेड कंट्रोल ऑफ द रेन क्लेमिंग ही वांटेड टू प्रोटेक्ट जर्मन स्पीकिंग पीपल देयर, यानी हिटलर ने इस इलाके को का कंट्रोल तलब किया और ये दावा करते हुए कि वो वहाँ जर्मन बोलने वाले उनकी हिफाजत करना चाहता है। उसके बाद म्यूनिख कॉन्फ्रेंस की गई। म्यूनिख जो कॉन्फ्रेंस थी उसके पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इन्हें हिटलर की ख्वाहिशात के ऊपर बातचीत करने के लिए म्यूनिख में मुलाकात की, लेकिन चेकोस्लोवाकिया को मदऊ नहीं किया गया। अब इसके नतायज क्या निकले कि बरतानिया और फ्रांस में हिटलर को सुडेटनलैंड पर कंट्रोल लेने की इजाज़त दी ताकि तनाजे से बच सकें, और जिसका नतीजा क्या था कि म्यूनिख माहदे की शक्ल में निकला। कंसिक्वेंसेस क्या हैं, द पीसमैन फर्दर एम्बोल्डेंड हिटलर हु रियलाइज्ड दैट ही कुड अचीव हिज एम्स विदाउट सिग्निफिकेंट अपोजिशन फ्रॉम अदर पावर्स, यानी ये जो नरम रवैया था हिटलर को मजीद हौसला अफजाई करने वाला साबित हुआ था, जिसने महसूस किया कि वो अहम ताकतों से संजीदा मुखालफत को यानी मुखालफत के बगैर अपने मकासद हासिल कर सकता है। उसके बाद हमारा पॉइंट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूगोस्लाविया 1939। तो सुडेटनलैंड के बाद म्यूनिख में जो वादे थे उनके बावजूद हिटलर ने मार्च 1939 में यूगोस्लाविया के बाकी हिस्सों के ऊपर हमला किया, और इसके अलावा इसके अंदर जो बोहेमिया थे और मावरिया इनके ऊपर जर्मन कंट्रोल का मुहाफिज कायम किया। अब यूगोस्लाविया की डिस्ट्रक्शन के सिग्निफिकेंस क्या है, नरम रवैये का खात्मा किया गया क्योंकि बरतानिया और फ्रांस ने यह समझ लिया कि हिटलर जो है वो अपनी तौसी को नहीं रोकेगा और उन्हें नरम रवैया भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने पोलैंड के तहफ्फुज़ का अहद किया, जो नरम रवैये से दूर जाने का एक मोड़ भी था। तो दूसरी जंग अजीम के जो यानी पेश शुरू है हिटलर की चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ जहारियत ने यूरोपीय ताकतों को ये यकीन दिला दिया कि जंग जो है वो लाजमी है, और उन्होंने तनाजे के लिए तैयारी करना भी शुरू कर दी। सो अब इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि राइज ऑफ द डिक्टेटरशिप इन यूरोप ड्यूरिंग द इंटरवार पीरियड ड्राइवन बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सेट द स्टेज फॉर वर्ल्ड वॉर टू।
यूरोप में अमरीतों का अरूज जो सियासी और इकतसादी अदम इस्तेकाम की वजह से हुआ, तो दूसरी जंग अजीम की यह रहमार करता है, ठीक है। और उसके बाद जो मुसोलिनी, उसके तहत जो फाशिनिज्म थी और हिटलर थे उसके तहत नाजिज्म और सोवियत यूनियन में स्टालिज्म, इन्होंने यूरोपीय सियासत को नए सिरे से तश्कील दिया। तो ग्रेट डिप्रेशन और ने इकतसादी मुश्किल में इजाफा किया, जिसने इंतहा पसंदी के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज थी, यानी इसके इन नजरियात की हमायत को बढ़ाया, और नरम रवैया और हथियारों की दौड़ ने तनाव को मजीद बढ़ा दिया। सो इसमें नरम रवैया और हथियारों की दौड़ ने तनाव को बढ़ाया, और स्विट्जरलैंड के बहरान और यूगोस्लाविया की जंग में जो यानी तबाही के जैसे अहम वाक़ियात थे, उसने नरम रवैये की नाकामी और जंग की नागजीर नेचर को जाहिर किया। सो दीज डिटेक्टरशिप्स क्रिएटेड अ वोलेटाइल यूरोप वेयर अग्रेसिव एक्सपेंशन आइडियोलॉजिकल क्लैशेस lead to an environment ripe for war. So the inability of the democratic powers to contain fascist aggressions in the 1930s made World War II in which the reality dramatically reshaped in Europe and the world. So ye jo dictatorship thi ek mutazalzal Europe paida karti hai jahan jahan tosi nazriyati tasadum ne jang ke liye mauzu mahol paida kiya, aur 1930 ki dahai mein jamhuri taqaton ki fascist jahriyat ko rokne mein bhi नाकामी ने दूसरी जंग अजीम को हकीकत बना दिया, जिसने यूरोप और दुनिया की शक्ल बदल दी। अब हम जो है वो इसके समरी की तरफ आते हैं कि यूरोप में कि हमने क्या डिस्कस किया है कि यूरोप में डिक्टेटरशिप के इस पॉइंट में, तो यूरोप में बैन अक्वामी जंग के दौरान डिक्टेटरशिप के अरूज की अहम वजूहत क्या थी। हमने डिस्कस किया कि बैन अक्वामी जंग के बाद यूरोप में इकतसादी बहरान था, सियासी अदम इस्तेकाम था, और समाजी बेचैनी की लहरें बढ़ गई थी, और पहली आलमी जंग के नतज ने मुख्तलिफ मुल्कों में आवाम की मायूसी आवाम यानी कि आवाम के अंदर पैदा की थी, जिसकी वजह से लोगों ने ताकतवर रहनुमाओं की जानिब रजू किया, जो जल्द और आसान हल फराम करने का वादा करते थे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इक्तसादी अदम इस्तेकाम किस तरह से फाशिज्म और मुतलक अनान हुकूमतों के अरूज में मामन साबित हुआ। तो हमने डिस्कस किया कि इक्तसादी अदम इस्तेकाम ने बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा किया था, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है वो जज्बाती तौर पर इंतहा पसंद नजरियात की तरफ मायल हो गए थे, और फाशिज्म और मुतलक अनान हुकूमतों ने अवामी जज्बात को अपनी कंपेन के लिए इस्तेमाल किया और उनके मसाइल को हल करने का वादा किया, जिससे उनका अरूज मुमकिन हुआ। इटली में मुसोलिनी के तहत फाशिनिज्म, जो कि हमारा पॉइंट था कि इटली में कौन से समाजी सियासी हालात ने मुसोलिनी की ताकत में आने में मदद दी थी, तो हम यह कह सकते हैं कि पहली आलमी जंग के बाद इटली में इक्तसादी मुश्किल, सियासी बेचैनी और अवामी मायूसी ने मुसोलिनी को ताकत हासिल करने में मदद दी। वो अवाम के सामने कौमी यकजहती को, इस्तेकाम को और माशी तरक्की का वादा करके वो उभरा था। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि मुसोलिनी की पॉलिसियों ने फाशिज्म के असूलों की अक्कासी कैसे की। तो मुसोलिनी की पॉलिसियों में ताकतवर हुकूमत, कौमी नजरियात और फौजी कुव्वत की तामीर शामिल थी, और इसने सिर्फ यानी कि सियासी मुखालफिन को कुचलने में, मीडिया के ऊपर कंट्रोल कायम करने में, कौमी तशख्स को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए, जिससे फाशिज्म की बुनियाद जो थी वो मुस्तहकम हो गई थी। इसी तरह हमने जो हमारा दूसरा पॉइंट था, हमने डिस्कस किया यानी कि हिटलर, नाजीज्म और जर्मनी, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वर्सल्स के मुआहदे ने अडोल्फ हिटलर के अरूज में क्या किरदार अदा किया था। तो हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि वर्सल्स के मुआहदे ने जर्मनी को शदीद इक्तसादी नुकसान का और समाजी जिल्लत में मुबतला कर दिया था, जिसकी वजह से हिटलर ने इन एहसास का फायदा उठाकर नाजी पार्टी की हिमायत हासिल की, और इसने अवामी जज्बात को भड़काया और मुआहदे की शरात के खिलाफ रद्द अमल की क्यादत भी की। इसके बाद पॉइंट हो सकता है, क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हिटलर के दौर में नाजीज्म की अहम नजरियात के अनासर क्या थे। तो नाजीज्म की बुनियादी नजरियात में नस्ली बर्तरी, खास तौर पर आर्यन नस्ल की कौमियत थी, इंतहा पसंद कौमी नजरिया था, यहूदियों और बाकी अकलियतों के खिलाफ शदीद तासुब भी था। इसके अलावा नाजीज्म ने एक मुस्तबिद रियासत के क्याम की कोशिश की, जहां हुकूमत के हर पहलू पर कंट्रोल हो यानी के था। और थर्ड हमारा पॉइंट था रूस, मार्क्सिस्ट इनकलाब और स्टालिन का दौर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 1917 की बोलशेविक इनकलाब के अहम नतीजे क्या थे। हमने डिस्कस किया कि बोलशेविक इनकलाब ने रूसी सल्तनत का खात्मा किया था और मार्क्सिस्ट रियासत का क्याम किया था, और इसने आवाम की जमीनों और संतों की कौमी मालिकियत की बुनियाद रखी थी, जिससे सोवियत यूनियन के क्याम की राह हमवार हुई। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपने इक्तदार को कैसे स्टेबल किया था। स्टालिन ने अपने सियासी हरीफों को खत्म करके पार्टी के अंदर से अपनी कुव्वत को मजबूत किया, और इसने जबरदस्ती सनती तरक्की और जरिए जो इजमाई कार्य थी उसको इम्प्लीमेंट किया, जो उसकी हुकूमत की बुनियाद बन गया। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन और उसके यूरोप के ऊपर असरात को, कि किस तरह से यूरोप मईशत
जो थे वो आलमी असरात के ऊपर क्या थे कि ग्रेट डिप्रेशन ने यूरोपीय मालिक की मशीत को शदीद मुतासर किया, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई और इसके अलावा इसने फासिज्म और कम्युनिज्म जैसी जो इंतहा पसंद तहरीकें हैं उनके अरूज को भी जन्म दिया था। इक्तसादी मुश्किलात ने 1930 की दहाई में यूरोप के सियासी मंजरनामे को किस तरह मुतासर किया था, तो हमने डिस्कस किया कि इक्तसादी मुश्किलात ने लोगों को रवायती सियासी जमातों से मायूस कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने इंतहा पसंद तहरीकों की हमायत करना शुरू कर दी। ठीक है, और इसका नतीजा तो था वो इक्तदार में आने वाले जो साख्तगी हुकूमतें थी उनकी शक्ल में निकला था, जिस तरह से फासिज्म है और नाजीज्म है। पांचवा पॉइंट हमने देखा नरम जो पॉलिसी का रवैया था तो वो क्या था और किन मुल्क ने अपनाया था, तो इस पॉलिसी का जो है वो एक सियासी हिकमत अमली थी जिसके तहत बरतानिया और फ्रांस ने हिटलर के मुतालबात को तस्लीम किया ताकि जंग से बच सकें, और ये पॉलिसी बुनियादी तौर पर 1930 की दहाई के आगाज में अपनाई गई थी। म्यूनिख मुहिदे ने यानी नरम रवैये की नाकामी को किस तरह से हाईलाइट किया था, म्यूनिख मुहिदे ने हिटलर को सोवियत यूनियन लेने की इजाज़त दी थी जिसने ये जाहिर किया के नरम की नरम रवि की जो पॉलिसी है वो नाकाम हो गई क्योंकि ये हिटलर की तौसीफ पसंद ख्वाहिशात को बढ़ावा देने की वजह बनी। और फोर्थ सिक्स पॉइंट हमने देखा हत्या आर्म रेस के, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1930 की दहाई में यूरोपीय ताकतों के दरमियान हथियारों के दौर में कौन से अवामिल ने किरदार अदा किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि हथियारों की दौड़ का आगाज हिटलर के इकतदार में आने और मुआहदे की शरात की खिलाफवर्जी करने और बाकी ममालिक की फौजी तैयारियों की वजह से हुआ था, और ये सब जो अवामिल थे उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ हथियारों की तरक्की में इजाफा किया। जर्मनी की फौजी तामीर नौ ने मौजूदा मुआहदों को किस तरह से चैलेंज किया, तो जर्मनी ने वर्सल्स के मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए अपनी फौजी ताकत को दोबारा तामीर किया जिसने बाकी यूरोप ममालिक के दरमियान अदम एतमाद को और खौफ की फिजा को पैदा किया, और ये जो चैलेंज थे आने वाले जंग की तैयारियों की यानी कि बुनियाद बन गए थे। सोवियत लैंड बहरान किस तरह से आया 1938 में, तो सोवियत लैंड के बहरान के वकूफ पजीर होने वाले अहम वाकयात क्या थे, तो सोवियत लैंड में एक बड़े जर्मन आबादी की मौजूदगी की वजह से हिटलर ने इस इलाके का कंट्रोल हासिल करने का मुतालबा किया था, और इस मुतालबे का जो जवाब था वो देने के लिए म्यूनिख कॉन्फ्रेंस ना के दुई जहाँ बरतानिया फ्रांस जर्मनी और इटली ने मुजाकरात किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि म्यूनिख कॉन्फ्रेंस ने चेकोस्लोवाकिया की किस्मत के ऊपर क्या असर डाला, तो म्यूनिख कॉन्फ्रेंस ने चेकोस्लोवाकिया के इकतदार को खतरे में डाल दिया था क्योंकि बरतानिया और फ्रांस ने हिटलर के सामने हथियार डाल दिए थे। ठीक है, और जिससे फिर हिटलर की तसी पसंद हिकमत अमली को मजीद तकवीत मिली थी। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट देखा चेकोस्लोवाकिया की तबाही का कि 1939 में हिटलर के चेकोस्लोवाकिया के ऊपर हमले के नतीजे क्या थे, तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके मुल्क को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था जिसने यूरोप में तनाव को बढ़ाया, जंग की तैयारियों को बढ़ाया, और ये हमला जो था वो नरम जो पॉलिसी की नाकामी की का एक यानी कि वाकया था, और चेकोस्लोवाकिया की तबाही ने नरम रवैये की पॉलिसियों की नाकामियों को किस तरह से जाहिर किया, तो चेकोस्लोवाकिया की तबाही ने यह जाहिर किया कि नरम रवैये की पॉलिसी ने हिटलर को मजीद ताकतवर बनाया और यह साबित किया कि जंग को रोकने के लिए कमजोर पॉलिसियों का कोई फायदा नहीं है, तो जिसके नतीजे में यूरोप में जंग के हालात पैदा हुए थे। यानी बरतानिया और फ्रांस ये दो ममालिक थे जो हिटलर के ख्वाहिशात को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि उनका मकसद जो नरम रवैये की पॉलिसी अपनाने का ये था कि वो चाहते थे कि जो भी मामलात हैं वो मुज़ाकरात के जरिए और अमन के जरिए हल हो जाए और अमन बरकरार रहे, जंग के अंदर शामिल ना होना पड़े। लेकिन हिटलर की जिस तरह से वो ख्वाहिशात यानी पूरी करते गए तो जो हिटलर था उसकी ख्वाहिशात मजीद बढ़ती गई और वो मजीद लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहता था, तो जिसकी वजह से ये फिर जंग के असबाब जंग का एक बड़ी वजह था। उसके बाद बैन अक्वामी जंग के दौरान डिक्टेटरशिप ने दूसरी आलमी जंग के लिए किस तरह से रहनुमा की, तो बैन अक्वामी जंग के दौरान डिक्टेटरशिप ने अवामी मायूसी और अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाते हुए फासिज्म और नाजीज्म को फरोग दिया था, और इन मूवमेंट्स ने अवामी जज्बात की बुनियाद के ऊपर इक्तदार हासिल किया जिसने आलमी जंग के माहौल को तैयार किया। लास्ट में हमने पॉइंट देखा कि इस दौर में यूरोप के सियासी हालात से क्या सबक हासिल किया जा सकता है, तो इस दौर से यह हम कह सकते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इक्तसादी मुश्किलात के वक्त इंतहा पसंद नज़रियात को फ़रोग मिल सकता है, तो इसके अलावा कमज़ोर या नरम जो पॉलिसियाँ उनकी नाकामी और सियासी बेदारी की ज़रूरत को समझना भी अहम है। सो हमने जो है टॉपिक डिस्कस किया पार्ट टू के अंदर डिक्टेटरशिप इन यूरोप, और इसमें हमने पॉइंट देखे इटली में मुसोलिनी के तहत फासिज्म, फिर हिटलर नाजीज्म और जर्मनी, रूस मार्क्सिस्ट इनकलाब और उसके काम जो था स्टालिन के तहत, फिर ग्रेट डिप्रेशन और उसके असरात यूरोप के ऊपर, नरम रवैये की पॉलिसी देखी, अपीजमेंट की, हथियारों की दौड़,
और उसके बाद सोवियत यूनियन लैंड का बहरान डिस्कस किया, जेकोस्लोवाकिया की तबाही जो कि 1939 में होती, उन्हें इन पॉइंट को डिस्कस किया है। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।